साहित्य और साहित्य जगत में रुचि रखने वाले सभी विद्वानों, लेखकों और जिज्ञासुओं को नमस्कार। मैं हूं मूर्ति देवी और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय रहेगा कि जो भी स्टूडेंट संस्कृत विषय को लेकर टीचिंग सब्जेक्ट की जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारी जो आज की क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि महर्षि पाणिनि जो संस्कृत वैयाकरण कहलाए, यानी कि प्रथम जो वैयाकरण कहलाए महर्षि पाणिनि, उनके जीवन के विषय में पढ़ा था। महर्षि पाणिनि एक ऐसे आचार्य हुए संस्कृत साहित्य के जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, और अष्टाध्यायी में जैसे उन्होंने 8 अध्याय लिखे, 4 जो पाद लिखे और 4000 जो सूत्र लिखे, और वही जो 4000 जो सूत्र उन्होंने लिखे, तो ऐसा माना गया है कि जो शिव हुए, जैसे शिव को प्रसन्न करने के लिए, जैसे जो शिव जी है जैसे तांडव करते हैं, तो वो जब तांडव करते हुए तो उनके जो मुख से जो माहेश्वर जो सूत्र लिखे, वही जो प्रथम जो संस्कृत जो वैयाकरण कहलाई, और उसी से संस्कृत व्याकरण का प्रादुर्भाव हुआ। और जैसे कि संस्कृत साहित्य में एक श्लोक भी है, जैसे कहा गया है कि नृतावसाने नटराज रासो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। इसका अर्थ है कि नृत्य के अवसान पर, अर्थात जब जब शिव भगवान है वो नृत्य करते हुए जब ठहर जाते हैं, तो वो अपना अपने हाथ से डमरू बजाते हैं, और जब वो डमरू बजा रहे होते हैं तो उनके जो डमरू के उनके डमरू से या डपली से जो 14 महेश्वर सूत्र लिखे निकले, और यही महेश्वर सूत्र जो संस्कृत व्याकरण के जो प्रथम जो सूत्र निकले, और इसी से जो अष्टाध्यायी के लिए जो महर्षि पाणिनि को जो आगे जाकर उनको एक प्रेरणा मिली, और उन्होंने एक अष्टाध्यायी नामक एक रचना लिखी। और इस अष्टाध्यायी में उन्होंने जो 8 जो अध्याय लिखे, उसमें जो उन्होंने 8 अध्यायों में जैसे प्रत्येक जो अध्याय उसमें जैसे 4 पाद है, और टोटल 32 जो पाद है, और 4000 सूत्रों में जो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। और इसके पश्चात महर्षि पाणिनि ने जैसे संस्कृत व्याकरण का प्रादुर्भाव महर्षि पाणिनि से ही हुआ, और उनके द्वारा जो लिखे गए सूत्र है वो आज प्रमाणिक रूप से भी हम प्रसिद्ध है। और यही जो पाणिनि द्वारा लिखी गई संस्कृत व्याकरण है, आगे चलकर आगे के विद्वानों ने इन्हीं व्याकरण पर आधारित इनके सूत्रों में कुछ सुधार करके और संस्कृत व्याकरण को आगे बढ़ाया। और महर्षि जो पाणिनि जो प्रथम जो व्याकरण जो प्रथम जो त्रिमुनि व्याकरण में जिनका नाम आता है, और महर्षि जो पाणिनि ने जैसे संज्ञा के विषय में लिखा, संज्ञा की भाषाएं लिखी, समास के विषय में कारक विभक्ति तद्वित प्रत्यय और कृत प्रत्यय लिखे उन्होंने, और संधि का वर्णन किया, तो ये सारे जो विषय हैं महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में लिखे। इसके पश्चात जब जो संस्कृत जो व्याकरण में जो दूसरे जो वैयाकरण कहलाए, जैसे त्रिमुनि है संस्कृत साहित्य में, सबसे पहले पाणिनि, और दूसरा है महर्षि कात्यायन, और तीसरे है महर्षि पतंजलि। महर्षि कात्यायन ने वार्तिक लिखे, और वार्तिक उन्होंने जो महर्षि जो पाणिनि हुए उन्हीं के जो सूत्र थे उन्हीं को में सुधार करके उन्होंने जो वार्तिक लिखे, और उन्होंने जो 1500 सूत्रों पर जो 4000 वार्तिक लिखे, और ये जो वार्तिक लिखे गए थे ये महर्षि पाणिनि के सूत्रों पर ही आधारित थे। यानी कि जो बात जो महर्षि पाणिनि कहना भूल गए या किसी विषय से छूट गया, तो उनके विषय में उनके जो सूत्रों में सुधार जो किया तो वो महर्षि पाणिनि ने किया। तो ये जो व्याकरण का जो विषय है, इसके विषय में जैसे संधि के बारे में हम पढ़ेंगे, और आगे समास में कि कौन कौन से सूत्र से किस प्रकार जो कौन सा वर्ड किस प्रकार बना, तो ये जो अलग विषय हो जाएगा। और आज हमारी जो क्लास है महर्षि कात्यायन के जीवन के विषय में, महर्षि कात्यायन जिनका संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, और इनके जो जन्म जो हुआ जो
महर्षि कात्यायन का, इनके जन्म है 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच का जो समय माना गया इनका जन्म। और ऐसा माना गया कि ये दक्षिणात्य ब्राह्मण थे, और दक्षिणात्य का अर्थ है कि हमारे जो भारत के जो निचले जो हिस्से हैं, जैसे तमिलनाडु क्षेत्र के हम, तो वहाँ के ये निवासी थे। और इन्होंने जो वार्तिक लिखे, और इन्होंने वार्तिक लिखने के पश्चात ही अष्टाध्यायी के जो सूत्रों पर संशोधन या परिवर्धन किया। और महर्षि कात्यायन के विषय में जो अन्य जो इनके नाम बताए गए कि इनका जो नाम है, इन्हें वाक्यकार भी कहा गया। अन्य जो नाम था इनका वर रुचि था, और कात्यायन और वर रुचि और वाक्यकार इनको माना गया। और इनके जो द्वारा जो दक्षिणात्य है, और कथाचरित सागर जैसे सोमप्रभ सूर्य है, तो उसके उस में भी इनके जन्म के विषय में इनकी जानकारी मिलती है। और जो जैसे महाभाष्य जैसे पतंजलि का जो प्रसिद्ध जो रचना है महर्षि पतंजलि की, तो उन उस रचना में इनके जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में के जो ये प्राचीन जो विद्वान थे या आचार्य थे, इनके जीवन के विषय में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। सबसे पहली जो जानकारी जो मिलती है वो बाण भट्ट के विषय में मिलती है, और बाण भट्ट जैसे छठी या सातवीं शताब्दी में हुए, तो जो महाराजा जो हर्ष के काल में हुए। और तो चलिए इनके जो जीवन के विषय में एक फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं कि किस प्रकार महर्षि कात्यायन का जो जीवन रहा। सबसे पहले महर्षि कात्यायन तो त्रिमुनि आचार्यों में प्रमुख जो आचार्य हुए महर्षि कात्यायन। इनका अन्य नाम था वर रुचि। इनका जो समय था लगभग 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। और रचना थी इनकी वार्तिकम। वार्तिकम रचना अष्टाध्यायी के सूत्रों में संशोधन, यानी कि महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी में सूत्रों की व्याख्या की, और उन्हीं सूत्रों में सुधार करने के लिए उन्होंने जो वार्तिक लिखे। और जैसे अष्टाध्यायी में जैसे 39 और 78 जो सूत्र लिखे गए, तो उन्होंने जो 1500 उस पर जैसे 1500 सूत्र लिखे। और वार्तिक जैसे इनके वार्तिक के विषय में कहा गया है कि उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तं ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः वार्तिज्ञा विचक्षण। कहा गया है कि उक्त और अनुक्त, उक्त का अर्थ है कि जो बात महर्षि पाणिनि कात्यायन और पतंजलि के द्वारा जो बात कही गई है, और अनुक्त जो बात महर्षि जो पाणिनि कात्यायन और पतंजलि के द्वारा जो बात नहीं कही गई है, और दुरुक्त जो बात इन आचार्यों के द्वारा जो छूट गई है। चिंता यत्र प्रवर्तते, यानी कि यत्र चिंता प्रवर्तते, कि जिस विषय में जहाँ चिंता प्रकट की गई है, कहने का अर्थ यह है कि जहाँ पर महर्षि पाणिनि ने जो बात कही, और उसी और जो महर्षि पाणिनि ने जो अनुक्त यानी कि जो बात नहीं कही गई, या दुरुक्त या जो महर्षि पाणिनि या कात्यायन के द्वारा जो बात दूर हो गई यानी कि जो नहीं कहा, तो इसके विषय में जहाँ पर चिंता प्रकट की जाती है, तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु, तो ऐसा जो ग्रंथ है वो वार्तिक है। वार्तिक का विचक्षणा, और वार्तिक में ही जो महर्षि पाणिनि के जो सूत्र है, तो उन सूत्रों में सुधार किया गया है। और अन्य जो महर्षि कात्यायन का जो वर्णन है महर्षि पतंजलि के द्वारा जो लिखित है महाभाष्य, उसमें मिलता है। चलिए इनका जो अन्य जो नाम है कात्यायन, वर रुचि, कात्य या वाक्यकार माना गया है। और कथाचरित सागर जैसे एक रचना है, तो उसमें जो सोमदेव द्वारा लिखित है, में इनको पाणिनि का समकालीन भी माना गया है। और इन्होंने री को रखना अनावश्यक माना गया है। और कुछ इनके जो वार्तिक है वो पद्य में है, और कुछ वार्तिक इनके गद्य में है। इसके अतिरिक्त जो महर्षि जो कात्यायन है, वो जैसे वैदिक विद्वान के रूप में भी इन्हें मान्यता मिली है। वैदिक विद्वान का अर्थ यही है कि जैसे सब हम सभी जानते हैं कि जैसे
जैसे ऋग्वेद की रचना हुई, यजुर्वेद की रचना हुई और सामवेद और जो अथर्ववेद में हुआ, तो इन्होंने जो वाजसनेयी जो प्रातिशाख्य लिखा, जो शुक्ल यजुर्वेद की एक रचना है, तो उसमें जो वाजसनेयी प्रातिशाख्य जो कात्यायन के द्वारा लिखा गया और त्रिमुनि वैयाकरण में त्रिकुण का जो नाम आता है। चलिए एक बार और पढ़ते हैं कि महर्षि कात्यायन का जो जन्म है 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में माना गया, और दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण जो ये कहलाए, और इनका जो दक्षिणात्य ब्राह्मण कहा गया इन्हें, और महर्षि पतंजलि के अनुसार इन्हें दक्षिणात्य ब्राह्मण कहा गया। और इनका जो अष्टाध्यायी के, जैसे हम सभी जानते हैं कि 4000 जो सूत्र जो महर्षि पाणिनि ने लिखे, तो उन सूत्रों में सुधार लिखा करके उनमें 1500 सूत्र इन्होंने लिखे और 4000 जो वार्तिक लिखे। कितने वार्तिक लिखे? 4000। पंद्रह सौ सूत्रों पर जो 4000 वार्तिक लिखे, और इनके विषय में यही उक्ति है कि जो बात महर्षि पाणिनि ने कही या जो बात महर्षि पाणिनि ने नहीं कही या जो बात जो महर्षि पाणिनि के द्वारा छूट गई, तो ऐसे जो ऐसे ऐसी बातों को यत्र चिंता प्रवर्तते, इसके विषय में जहाँ चिंता प्रकट की गई है तो वह है वार्तिक, वहाँ वार्तिक अपना काम करेगा। और महर्षि कात्यायन का जो जीवन का जो वर्णन है वो पतंजलि के जैसे के महाभाष्य में मिलता है। तो आज हमने जो महर्षि जो कात्यायन है उनके जीवन के विषय में पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।